और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मीसा भारती और उनके पति पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी खबर है। राउज एवेन्यू कोर्ट 21 सितंबर को चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। 8000 करोड़ मामले में ईडी ने आरोपी बनाया है। 21 सितंबर को एडिशनल चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। ईडी ने मीसा और शैलेश को आरोपी बनाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है, जिसमें मीसा भारती और उनके पति शैलेश आरोपी हैं, 21 सितंबर को एडिशनल चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा। ईडी ने मीसा और शैलेश को आरोपी बनाया है, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी और इस पर संज्ञान लिया जाएगा। और बात पटना की करते हैं, जहां के गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने एक वीडियो वायरल किया है। वायरल वीडियो पिरबहोर थाना इलाके के खजांची रोड स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल का है। वीडियो में दिखाया गया है कि गर्ल्स हॉस्टल में किस तरह शराब की महफिल सजती है, और शराबी गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के मना करने के बावजूद भी शराब पीते हैं। वीडियो में हॉस्टल संचालक के भाई पर लड़कियां आरोप लगा रही हैं। वीडियो में जाम छलकाने की तस्वीर भी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस हॉस्टल में शराब की महफिल सजती थी और स्टाफ लोग बैठकर पीते थे, लेकिन शिकायत के बाद उन लोगों को यहां से हटा दिया गया। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। पटना के बेली रोड में लाठी चार्ज हुआ है। पदयात्रा कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज हुआ है। मनरेगा को लेकर ये लोग पदयात्रा कर रहे थे और इस पदयात्रा पर लाठी चार्ज हुआ है। लाठी चार्ज होने से मौके पर अफरा तफरी देखी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पटना के बेली रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मनरेगा को लेकर लोग पदयात्रा कर रहे थे और उसी दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। गृह मंत्रालय ने असम में नागरिकता की पहचान के लिए एनआरसी की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट से 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए हैं। हालांकि लिस्ट बाहर होने वाले इन लोगों को नागरिकता साबित करने का पूरा मौका दिया जाएगा। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की आखिरी लिस्ट जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस एनआरसी लिस्ट में लाखों लोगों के भाग्य का फैसला भी हो गया, जिनके नाम एनआरसी की पिछली लिस्ट में शामिल नहीं थे। शनिवार सुबह 10 बजे जारी की गई इस लिस्ट में कुल 3,11,00,000 से ज्यादा लोग जगह बनाने में सफल रहे, जबकि 19,06,000 से ज्यादा लोग लिस्ट से बाहर हो गए। हालांकि लिस्ट से बाहर हुए लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। आपको बता दें कि सूची जारी होने से पहले ही असम के लोगों में बेचैनी का माहौल बना हुआ था, इसीलिए लिस्ट जारी करने से पहले असम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और प्रशासन ने लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया। दरअसल बड़ी संख्या में अवैध तरीके से रह रहे दूसरे देशों के लोगों की समस्या को देखते हुए असम में 1951 के बाद पहली बार नागरिकता की पहचान की गई। एनआरसी का फाइनल अपडेशन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया गया। 2018 की एनआरसी लिस्ट में 3.29 करोड़ लोगों में से 40.37 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं थे। फाइनल एनआरसी में उन लोगों के नाम शामिल किए गए जो 24 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं। हालांकि फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद राज्य में कहीं खुशी तो कहीं डर की स्थिति बनी हुई है। जिनका नहीं आया वो क्या लगती है आपकी? बहू लगता है। लड़का को तो अब क्या करेंगे आप? आपका सरकार जो करेगा, लेकिन हमारा कागज पाती तो पूरा है, लेकिन क्यों नहीं हुआ तो मालूम नहीं हमको। तो अभी आपके पास 120 दिन का टाइम है दोबारा से अप्लाई करने के लिए, करेंगे अप्लाई? अप्लाई करना है तो करना होगा। हमारा तो ये इंडिया में है, हम यहाँ पर है, यहाँ पर रहेंगे, बहुत इंडिया में फील करते हैं। हमारा जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, हम असम के रहने वाला हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा हम भारतवासी है, हमारा एक गौरव है, हम अच्छे तरीके से हमको भारत का देश के साथ निभाना चाहिए।
वैसे गृह मंत्रालय की जारी की गई ये एनआरसी लिस्ट फाइनल जरूर है, लेकिन राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों ने भरोसा दिया है कि एनआरसी में नाम शामिल न होने पर लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिस्ट में शामिल नहीं होने वाले लोग पहले ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे और फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकेंगे। लोगों को इस संबंध में अपील करने के लिए 120 दिन की मोहलत मिलेगी, साथ ही लोगों को राज्य सरकार कानूनी मदद भी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और असम के एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर परिमल शुक्ला बेडिया ने एनआरसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो नागरिकता साबित करने में फेल हुए हैं उनके सामने अभी भी मौका है इसे साबित करने के लिए, लिहाजा इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो यहां के नागरिक नहीं है जाहिर तौर पर उनको यहां रहने का हक नहीं बनता है। जो आदमी का जो है नाम नहीं आया वो 120 डेज के अंदर ही उसको फॉरिनर कोर्ट्स में जाना है, उसका नाम आ जाएगा, उसका हाथ में डॉक्यूमेंट है, वो प्रूफ है या वो सटीक ढंग से यहां का नागरिक है तो उसका नाम आने वाला है। इसीलिए जिसका नाम नहीं आया इसका इतना सोचने का चिंता करने का बात है नहीं, पहला बात है। दूसरा बात है जो यहां का नागरिक है ही नहीं उसका नाम क्यों आना है, आना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरा कहना इतना है कि जो हमारा पार्टी का तरफ से जिसका नाम नहीं आया इन लोग का तरफ से जो सटीक है यहाँ का नागरिक है इन लोग को मदद करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा, हमारा सरकार का तरफ से भी ये कोशिश जारी रहे। और एनआरसी को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है सुनते हैं। से जिनका नहीं आया वो क्या लगती है आपकी? बहु लगता है, बहु लगती है। लड़का को? हाँ। तो अब क्या करेंगे आप? आपका या सरकार जो करेगा, लेकिन हमारा कागज पाती तो पूरा है लेकिन क्यों नहीं हुआ तो मालूम नहीं हमको। तो अभी आपके पास 120 दिन का टाइम है दोबारा से अप्लाई करने के लिए, करेंगे अप्लाई करना है तो करने होगा। हमारा तो ये इंडिया में है, हम जा यहाँ पर है, यहाँ पर रहेंगे, बहुत इंडिया में फील करते हो। हमारा जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, हम असम के रहने वाला हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम भारतवासी है, हमारा एक गौरव है, हम अच्छे तरीके से हमको भारत का देश के साथ निभाना चाहिए। जय हिंद। जो एनआरसी की जो द्वितीय तालिका थी उसमें आपके परिवार का नाम आया था क्या? हमारा पिछले बार तो आया नहीं रहा और इस बार सारा फैमिली का आ गया, 10 हम लोग परिवार के थे, 10 लोग का नाम आ गया। नाम आ गया है पूरा सबका है। इसके लिए आपको हेयरिंग के लिए बुलाया गया था क्या? हेयरिंग के लिए बुलाया गया है और मिलन नगर के पास में हम गए थे, वहाँ पे फैमिली हम लोग जा करके पूरा किए। और एनआरसी की फाइनल लिस्ट पर जेडीयू ने कहा है कि फाइनल लिस्ट की ड्राफ्टिंग में बड़ी अनियमितता रही है, ऐसे में कई आशंकाएं बनी हुई हैं। कई लोग आजीवन जहां रहते रहे अगर कुछ शिनाख्त के आधार पर उन्हें बेदखल किया जा रहा है तो ये दुखद है और राज्य सरकार के साथ साथ भारत सरकार को इस पर एक बार फिर सोचना चाहिए। शिनाख्त और पहचान की कमियों की वजह से उन्हें बेदखल होना हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और हमारी अपेक्षाएं हैं कि इस सूची में भी अगर अनियमितताएं रह जाती हैं तो इसके तार्किक समाधान के लिए भारत सरकार असम सरकार को मिल करके संयुक्त रूप से प्रयत्न करने होंगे।